वेलकम टू सद्भावना न्यूज एंड आई एम पूनम शर्मा। चार साल बाद भी नहीं निपटा पटवारी भर्ती परीक्षा का मामला। प्रदेश में 2017 में निकली 9,235 पटवारियों की भर्ती प्रक्रिया का आयुक्त भू अभिलेख लैंड रिकॉर्ड विभाग चार साल बाद भी पूरी नहीं कर पाया है। खाली रह गए 235 पदों पर अभी भी भर्ती होना बाकी है, जिसके लिए वेटिंग लिस्ट में शामिल 4,000 उम्मीदवार नौकरी मिलने की आस लगाए बैठे हैं। कुछ उम्मीदवार न्यायालय की शरण में भी गए हैं। उधर लैंड रिकॉर्ड विभाग भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही खाली रह गए 235 पदों को नई भर्ती परीक्षा के साथ समायोजित कर भर्ती करने की बात कह रहा है। चार साल पहले लैंड रिकॉर्ड विभाग ने प्रदेश में पटवारियों के रिक्त 9,235 पदों के लिए भर्ती निकाली थी। इसके लिए पीईबी से परीक्षा कराई गई थी। 9,235 पदों में से 8,485 पदों पर पात्र उम्मीदवारों की भर्ती हो गई। शेष रह गए 750 पदों को वेटिंग लिस्ट के उम्मीदवारों से भरा गया। वेटिंग लिस्ट से उम्मीदवारों की भर्ती करने के लिए 11 बार विभाग ने काउंसलिंग की, लेकिन इसके बाद भी 235 पद रिक्त रह गए। वहीं उम्मीदवारों का कहना है कि पीईबी और लैंड रिकॉर्ड विभाग के आपसी तालमेल के अभाव और सॉफ्टवेयर की गलती के कारण कई सफल उम्मीदवारों के नाम एक से अधिक जिलों के सॉफ्टवेयर में दिखने लगे। इससे लिस्ट तैयार करने में गड़बड़ी हुई। यह गलती विभाग की है, लेकिन नुकसान उम्मीदवारों का हुआ, इसलिए इस भर्ती परीक्षा को लेकर न्यायालय में केस भी लगाए हैं। 2017 में जो भर्ती हुई उसमें मुख्य लिस्ट और वेटिंग लिस्ट दोनों से उम्मीदवारों को पर्याप्त अवसर दे चुके हैं। जो 235 पद खाली रह गए हैं उनको नई भर्ती परीक्षा के साथ जोड़कर भर लेंगे। 6 महीने में विभाग पटवारियों के करीब 1,000 नए पदों के लिए भर्ती निकालेगा। हमने जितने पदों को भरा है वह नियमानुसार ही भरे गए हैं। ज्ञानेश्वर बी पाटिल, आयुक्त भू अभिलेख मप्र। पावर्ड बाय आर्थ्रोस क्लिनिक, अ डेडिकेटेड सेंटर फॉर आर्थ्रोस्कोपी एंड स्पोर्ट्स इंजरीज।